नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS Academy पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार करवाई हुई प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। देखिए विद्यार्थियों, इससे पहले हमने 1 से लेकर 9 चैप्टर तक के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन देख लिए थे और आज की इस वीडियो में हम 10वां चैप्टर तरंग प्रकाशिकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न बैंक है वो राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार करवाई हुई है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस पर्सन बैंक का एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, एक एक क्वेश्चन को आप समझते हुए याद करेंगे। विद्यार्थी, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन, हाइगेन का तरंग सिद्धांत हमें क्या बतलाता है? तो देखिए, हाइगेन का तरंग सिद्धांत तरंगागर के संचरण की दिशा को बताता है, तरंगागर के संचरण की दिशा के बारे में बात करता है। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर इस डायग्राम में हमने एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत दिखाया है और इस बिंदुवत प्रकाश स्रोत से चारों दिशाओं में प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती है और जो तरंगाग्र है वो गोलीय गोले के रूप में आगे की ओर संचरित होते हैं। तरंगाग्र तथा प्रकाश किरणों के मध्य का जो एंगल है वो 90 डिग्री का रहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती? तो प्रकाश की व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण, देखिए व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण अपवर्तन ये सब घटनाएं प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करती है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो प्रकाश की कणीय प्रकृति को बताता है। चलिए यहां पर ध्यान देंगे तो देखिए, यहां पर मैंने कुछ घटनाएं दिखाई है जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, जो कि प्रकाश की तरंग प्रकृति के द्वारा इनकी व्याख्या कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ घटनाएं परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, ज़ीमान प्रभाव, स्टोक्स प्रभाव, ये प्रकाश की कणीय प्रकृति के द्वारा समझाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की आवृत्ति है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर लैम्ब्डा की जो वैल्यू है वो दे रखी है 3000 एंगस्ट्रॉम। हमें प्रकाश की आवृत्ति पूछी है। देखिए विद्यार्थियों, सी बराबर होता है न्यू लैम्ब्डा, तो न्यू बराबर होता है सी बट्टे में लैम्ब्डा। सी यहां पर प्रकाश का वेग है 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां से 3 × 10 की घात 8 बट्टे में लैम्ब्डा, जो कि 3000 एंगस्ट्रॉम है, 3000 × 10 की घात -10 न्यू बराबर 3 × 10 की घात। यहां से आप ध्यान देंगे 3 यहां से कम कर देते, 10 की घात 7 बस्ती ऊपर जाएगी तो प्लस में 7 हो जाएगी, तो 10 की घात 15 हर्ट्स हो जाएगा, 10 की घात 15 हर्ट्स या चक्कर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन है प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाता है? तो अभी मैंने आपको कुछ घटनाएं आपके सामने रखी, उनमें से एक हमारे पास में है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाता है। तो देखिए, प्रकाश की कणीय प्रकृति को रिप्रेजेंट करने के लिए
समझाने के लिए हम, देखिए प्रावर्तन और विवर्त, प्रावर्तन और अपवर्तन दो ऐसी घटनाएं हैं जो दोनों प्रकृति से समझाई जा सकती है, लेकिन कण प्रकृति को रिप्रेजेंट करने वाली कुछ घटनाएं हैं उनमें से प्रकाश विद्युत प्रभाव, जीमान प्रभाव, स्टोर्क प्रभाव और कॉम्प्टन प्रभाव प्रमुख है। क्लियर? तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी तरंगागर पर स्थित बिंदु को माना जा सकता है, तो देखिए एक तरंग का एक नया स्रोत हम मान सकते हैं, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। क्लियर? तो देखिए विद्यार्थियों यहां पर हमने एक तरंगागर दिखाया है, ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं इसके बीचों बीच में, ये एक तरंगागर को बता रही है। इसके ऊपर हमने रेड डॉट दिखाए हैं कुछ, ये तरंगागर पर स्थित कुछ बिंदु है और इससे इसके इन रेड डॉट के चारों ओर कुछ किरणें हमने दिखाई है, एक नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करती है और यहाँ से निकलने वाली जो तरंगे हैं उनको हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इनके जस्ट पहले पश्चर तरंगाग्र होता है, इनके जस्ट आगे अग्र तरंगाग्र होता है। प्रकाश है वो इस डायरेक्शन में संचरित हो रहा होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो तरंगे कला संबद्ध कहलाती है यदि इनमें कलांतर समय के साथ नियत हो। यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैसे तो कला संबद्ध स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहे, वे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश किरणें किरणों के मध्य का कलांतर समय के साथ नियत हो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो कलांतर है वो समय के रेस्पेक्ट नियत रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यंग के प्रयोग में दोनों स्लिट के बीच की दूरी आदि तथा स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी दुगुनी करने पर फ्रिंज चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए फ्रिंज चौड़ाई को हम बीटा से पुट करते हैं, लैम्डा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी होता है। अब दोनों स्लिटों के बीच की दूरी आदि, नई जो दूरी है वो डी डेस बराबर डी की आधी हो गई है। स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी दुगुनी, पहले वाली दूरी की दुगुनी कर देते हैं, डी डेस बराबर 2D। क्लियर? तो नई फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई को हम बीटा डेस से पुट कर दें तो लैम्बडा इंटू डी डेस बट्टे में डी डेस, तो लैम्बडा इंटू डी डेस की वैल्यू है 2D, स्मॉल डी डेस है डी बाई 2, तो ये 4 इंटू लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी, तो बीटा डेस है वो बीटा का 4 गुणा हो जाएगा।
तो जो फ्रिंज चौड़ाई है वो 4 गुनी होगी, तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। फ्रेनल के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई निम्न में से किस दूरी पर निर्भर करती है? विद्यार्थी, ये जो फ्रेनल का प्रयोग है वो हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैंने आपके सामने फ्रिंज चौड़ाई का एक फॉर्मूला जो कि फ्रेनल के प्रयोग से हमें प्राप्त होता है वो मैंने आपके सामने रखा है। ए, यहाँ पर स्लिट द्वारक और प्रिज्म के बीच की दूरी होती है। बी, पर्दे से प्रिज्म की दूरी होती है। लैम्ब्डा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ए मैंने बताई दिया है। म्यू है वो माध्यम का अपवर्तनांक। अल्फा प्रिज्म कोण होता है। वैसे ये जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी अवरोध के किनारों से प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। तो अवरोधक या द्वारक के किनारों से प्रकाश किरण है वो छाया क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, डायग्राम के जरिए देखेंगे कि ये हमारे पास में एक अवरोधक है जो कि मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, और इससे कुछ दूरी पर एक पर्दा रखा हुआ है। इधर हमारे पास में एक प्रकाश स्रोत है जिसे ये पीले रंग की समांतर प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होती है। तो हम ये मानते हैं कि जितना बड़ा अवरोधक है, अवरोधक का जो आकार है उसी आकार का ही उसकी छाया बननी चाहिए, बट इसके किनारों से ये प्रकाश इसके छाया क्षेत्र में मुड़ जाता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ पर दिखाया है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन हमने यहाँ पर स्पष्ट किया है, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ध्रुवण ही वह घटना है जो ये बताती है कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की है। तो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को बताने वाली जो घटना है वो है ध्रुवण। क्लियर। तो जो 11वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो होगा अनुप्रस्थ प्रकृति। अनुप्रस्थ प्रकृति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो 12वां क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ये हमने एक डायग्राम के जरिए आपको समझाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तरंग की तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी उसका विवर्तन खालिस्तान होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, जो विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि अवरोधक और द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। तो यहां पर तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी द्वारक या अवरोधक का आकार आप उतना ही बड़ा ले सकते हैं, विवर्तन उनमें उतना ही ज्यादा बेटर तरीके से प्रेक्षित होगा। तो तरंग की तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी उसका विवर्तन भी उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ध्रुवित प्रकाश में जिस तल में दोलन होते हैं उस तल को कंपन तल कहते हैं, उस तल को कंपन तल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी तरंग के लिए फतांतर व कलांतर फाई का अनुपात होता है। तो देखिए विद्यार्थी, मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि जो फतांतर होता है, फतांतर को यहां पर डेल्टा से पुट किया जा रहा है। फतांतर बराबर होता है लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, इंटू
कलांतर फाई। तो हमें यहां पर फतांतर और कलांतर का अनुपात यहां पर पूछा है, तो फतांतर डेल्टा बट्टे में कलांतर, तो कलांतर को हम फाई से पुट करें जो कि लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। तो का अनुपात है वो लैम्ब्डा बट्टे में 2 पाई का अनुपात होता है। का अनुपात होता है। तो विद्यार्थी वैसे इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा, ये पूछा क्या है, ये इनके बीच में संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्यतिकरण के पैटर्न में अदीप्त अथवा दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई का मान समान होता है और ये बीटा बराबर लैम्ब्डा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी के बराबर होता है। तो जो 16वां क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा फ्रिंज चौड़ाई को हम मैं बीटा से पुट कर रहे हैं और ये लैम्ब्डा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी के बराबर होता है। क्लियर। व्यतिकरण में संपोषी व्यतिकरण अथवा दीप्त फ्रिंज प्राप्त करने के लिए फतांतर होता है। तो व्यतिकरण की घटना में दीप्त फ्रिंज के लिए फतांतर एन लेमड़ा होता है। क्लियर करें इसे आप। 17वां जो क्वेश्चन है उसमें संपोषी व्यतिकरण की जो कंडीशन है वो देख लीजिए। संपोषी व्यतिकरण के लिए जो फतांतर है उसको हम डेल्टा से पुट करते हैं जो कि एन लैम्ब्डा होता है। संपोषी व्यतिकरण के लिए जो फतांतर है वो एन लैम्ब्डा होगा। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्यतिकरण में विनाशी व्यतिकरण अथवा अदीप्त फ्रिंज प्राप्त करने के लिए फतांतर होता है। पथों की लंबाई का जो अंतर है विनाशी व्यतिकरण में देखें, विनाशी व्यतिकरण के लिए डेल्टा का जो मान है वो 2n+1 लैम्ब्डा बाई 2 होता, जहां n बराबर हमारे पास में इस वाले फॉर्मूले में 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो क्लास संबंध स्रोतों की आवृत्ति होती है, क्लास संबंध स्रोतों की आवृत्ति समान होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एकवर्णी प्रकाश में आवृत्तियों की संख्या है, आवृत्तियों की समान संख्या है। देखिए इससे क्वेश्चन में एकदम एग्जैक्ट तो पता नहीं चलता, लेकिन आवृत्तियों की समान संख्या है, एकदम एग्जैक्ट क्या इस ब्रैकेट में पूछना चाह रहा है, थोड़ा सा आप भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है मेलस के नियम से संबंधित सूत्र लिखिए। तो देखिए मेलस के नियम से संबंधित, मेलस का जो नियम है वो है कि विश्लेषक और ध्रुवक दोनों के प्रकाशीय कक्षों के मध्य का यदि कोण है थीटा होता है, तब निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है आई बराबर आई नोट कोस स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है। और देखिए ये मेलस के नियम का फॉर्मूला है, सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश को ध्रुवित क्यों नहीं किया जा सकता है। वैसे प्रकाश को ध्रुवित तो किया जा सकता है, ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है
वैसे विद्यार्थी मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही गलत है। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाना चाहिए था कि प्रकाश तरंगों का ध्रुवण किया जा सकता है जबकि ध्वनि तरंगों का नहीं, क्यों? या यहाँ पर आना चाहिए था ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? तो देखिए, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं हो सकता क्योंकि जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, और किसी भी तरंग का ध्रुवण करने के लिए उसका अनुप्रस्थ प्रकृति का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, आपके सामने मैं पुट कर देता हूँ, किसी तरंग के ध्रुवण के लिए, किसी तरंग के ध्रुवण के लिए उस तरंग का अनुप्रस्थ प्रकृति का होना आवश्यक है। अनुप्रस्थ प्रकृति का होना आवश्यक है। अनुप्रस्थ प्रकृति का होना आवश्यक है। क्लियर? प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, इसलिए इनका ध्रुवण हो जाता है। इसलिए इनका ध्रुवण हो जाता है। जबकि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, इसलिए इनका ध्रुवण नहीं हो पाता। इनका ध्रुवण नहीं हो पाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के विवर्तन में आपतित व विवर्तित तरंगाग्र समतल होते हैं? देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर विवर्तन दो प्रकार के होते हैं। विवर्तन के प्रकार तो विवर्तन विद्यार्थियों दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो विवर्तन है वो दो प्रकार के हैं, फ्रेनल विवर्तन तथा फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन में इसके डेफिनेशन देखेंगे कि ऐसा विवर्तन जिसमें द्वारक या अवरोधक की प्रकाश से स्रोत व पर्दे से दूरी सीमित हो, फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। फिर ध्यान देंगे कि आपतित विवर्तित तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होते हैं, इसमें होते हैं गोलीय तरंगाग्र। फिर हम बात करते हैं यहां पर फ्रॉनहोफर विवर्तन की, तो ऐसा विवर्तन जिसमें अवरोधक या द्वारक की प्रकाश स्रोत व पर्दे से दूरी दोनों की ही अनंत होती, तो उस विवर्तन को हम फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं, और इसमें आपतित तथा विवर्तित तरंगाग्र हैं वो समतल तरंगाग्र होते हैं, दोनों ही समतल तरंगाग्र होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यतिकरण
एवं विवर्तन में अंतर लिखिए। दोनों में दो अंतर हमें यहां पर बताने हैं। तो देखिए विद्यार्थी, यहां पर मैंने व्यतिकरण तथा विवर्तन में कुछ डिफरेंस मैं पुट किए हैं। पहला देखिए कि तरंगाग्र के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना घटित होती है, जबकि विवर्तन में द्वितीयक तरंगिकाएं जब अध्यारोपित होती है तब विवर्तन की घटना घटित होती है। व्यतिकरण के अंदर जो फ्रिंज प्राप्त होती है उनकी चौड़ाई समान होती है, चाहे काली फ्रिंज हो चाहे चमकीली फ्रिंज हो, उनकी चौड़ाई समान होगी। जबकि विवर्तन की घटना में केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई सर्वाधिक, फिर चमकीली फ्रिंजों की चौड़ाई घटेगी और काली फ्रिंजों की चौड़ाई बढ़ेगी। अगला जो अंतर है कि चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है और काली फ्रिंजों की तीव्रता है वो शून्य होती है। जबकि यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता सबसे ज्यादा होगी, फिर चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता घटती जाएगी, जबकि यहाँ पर काली फ्रिंजों की तीव्रता शून्य नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का ध्रुवण क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, प्रकाश है उसमें चारों तरफ प्रकाश सदिश उपस्थित होते हैं और साधारण प्रकाश में उपस्थित प्रकाश सदिशों को एक तल में व्यवस्थित करने की जो घटना है उसको हम ध्रुवण कहते हैं। क्या है डेफिनेशन देखिए कि साधारण प्रकाश में उपस्थित प्रकाश सदिशों को एक तल में व्यवस्थित करने की घटना को ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण कहते हैं। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हमने एक अध्रुवित प्रकाश को दिखाया है। इसमें प्रकाश सदिश चारों तरफ मौजूद हैं। आप अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। इसमें ये जो प्रकाश तरंग है उसके चारों तरफ प्रकाश सदिश मौजूद होते हैं। जो रेड कलर वाले एरो के निशान ऊपर नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्रकाश सदिश को बता रहे हैं। इसके अलावा जो ये गुलाबी कलर के, बैंगनी कलर के जो आपको डॉट के निशान दिखाई दे रहे हैं ये ऊपर नीचे मतलब तल के लंबवत अंदर और बाहर की ओर कंपन को बता रहे हैं। तो इसमें कंपन सभी संभव दिशाओं में होते हैं, लेकिन जब ये प्रकाश ध्रुवित हो जाता है तो ये जो कंपन है वो एक तल में व्यवस्थित हो जाते हैं। यहाँ पर ऊपर नीचे व्यवस्थित हो गए। यहाँ पर या तो ये जो तल है, जो हमारा तल है, कागज का तल है, इस तल के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं, या यहाँ पर इस कागज के तल के लंबवत व्यवस्थित हो जाते, दोनों में से एक होता है। तो ये भी एक ध्रुवित प्रकाश है, ये भी एक ध्रुवित प्रकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? तो ऐसे प्रकाश स्रोत, देखिए ये डेफिनेशन हम पहले भी दे चुके हैं, तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि वे प्रकाश स्रोत जिनसे चलने वाली प्रकाश किरणों के मध्य का कलांतर समय के साथ नियत हो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। इनका जो कलांतर है वो समय के सापेक्ष नियत रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये भी हम पहले देख चुके हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अंतर हमारे सामने स्पष्ट हो गया है कि एक तरफ हमने व्यतिकरण लिया है,
दूसरी तरफ हमने विवर्तन लिया है, अंतर आप देख सकते हैं, ये हमने पहले भी इनकी चर्चा कर ली थी। देखिए इस चैप्टर से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लेते हैं। तरंगागर किसे कहते हैं? तरंगागर की डेफिनेशन आपको एक नंबर में पूछी जा सकती है। हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन दोनों में से किसी एक की व्याख्या भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसे भी आप क्लियर कर लें। क्लास संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन हम दो तीन बार बता चुके हैं। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, तो इसके लिए आपको पथांतर कलांतर इनके बारे में भी ध्यान रखना है। प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में तीव्रता वितरण को वक्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, साथ में हमें प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। यंग के दीप स्लिट प्रयोग के लिए आवश्यक चित्र बनाइए। फ्रिंज चौड़ाई भी ज्ञात करवाई जा सकती है। क्लियर विद्यार्थी, यहां पर एक वितरण वक्र जरूर समझ लीजिए। ये व्यतिकरण के लिए हमने वितरण वक्र का निर्माण किया है। देखिए व्यतिकरण की घटना में जो तीव्रता है वो 4i नोड से 0 तक चेंज होती है, तो संपोषी व्यतिकरण के अंदर तीव्रता अधिकतम होगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, इस तरीके से तीव्रता का वितरण वक्र है। क्लियर। जबकि विवर्तन की घटना में जो तीव्रता वितरण वक्र है उसको हमने देखिए इस तरीके से दिखाया है कि यहाँ पर केंद्रीय फ्रिंज है उसकी तीव्रता अधिकतम होती है, फिर जो द्वितीय उच्चिष्ट होते हैं उनकी तीव्रता घटती चली जाती है। क्लियर। तो ये ऊर्जा वितरण वक्र है, इनकी चौड़ाई भी यहाँ पर हमने दिखाई है, यह आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं इस चैप्टर में से अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, कुछ टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो विद्यार्थियों, एक हमारे पास में हाइगेन का तरंग सिद्धांत है। तो देखिए हाइगेन का तरंग सिद्धांत है काफी महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत से अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या, उनमें से अपवर्तन काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा व्यतिकरण की घटना में फ्रिंज चौड़ाई बीटा की वैल्यू लैम्ब्डा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी वाला फाइंड आउट करवाया जा सकता है। साथ में आपको मेलस के नियम का भी ध्यान में रखना है। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त, कुछ छोटी मोटी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। देखिए छोटे जो क्वेश्चन है, व्यतिकरण विवर्तन इनकी शर्तें, संपोषी व्यतिकरण की शर्त, विनाशी व्यतिकरण की शर्त, इनमें कलांतर फतांतर, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने तरंग प्रकाश की से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।